हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी निकल कर आई हैं। तो दोस्तों, अभी ये न्यू नोटिफिकेशन निकल कर आया है जिसमें अभी आप अप्रेंटिस नहीं करिए, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, मैंने इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोला हुआ है। तो ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई डेट है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी ऑनलाइन ही आएगी। तो इसमें जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वह 15/12/2022, यानी 15 तारीख से 15 दिसंबर 2022 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वह 15 जनवरी 2023 है, यानी कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल कर आई है, ये सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है जिसमें 2422 स्लॉट हैं। दोस्तों, 2422 स्लॉटों पर ये वैकेंसी निकल कर आई है। तो अभी इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपको पहले से बता दें कि इसमें मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट इसमें जो कि आपकी मार्कशीट है 10th की ITI की, उसकी बेसी पर, उसके बेस पर आपके लिए मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसमें थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन की बात करते हैं। दोस्तों, मोड ऑफ़ सिलेक्शन इसमें आपके मेरिट लिस्ट पर ही होगा। मैंने बता दिया था अभी, आपके जो 10th में मार्क आए हैं और प्लस में ITI में आए हैं तो उसी के बेस पे बनेगी। आपको अप्रेंटिसशिप के जो पोर्टल है वहाँ पर भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा दोस्तों नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी जो यूनिट हैं यहाँ पर ये निकल कर आया है। सबसे पहले दोस्तों क्लस्टर की बात करते हैं, तो मुंबई क्लस्टर में आप देख सकते हैं ये यूनिट हैं जिनमें ये वैकेंसी निकल कर आए हैं। कुरला डीजल शेड, कल्याण डीजल शेड, सीनियर डी कल्याण कुरला, परेल वर्कशॉप, माटोंगा वर्कशॉप, तो काफ़ी सारी वर्कशॉप यूनिट हैं। और दोस्तों ये जो भूसावल है और पुणे, नागपुर, सोलापुर, तो ये जो इतने सारे क्लस्टर हैं इनमें वैकेंसी निकल कर ये आई हैं। तो अगर आप अपनी जहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं क्लस्टर के हिसाब से वैकेंसी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं जैसे कि बता देता हूँ, मुंबई क्लस्टर है, इसमें दोस्तों ये जो वैकेंसी है ट्रेड वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर और टेलर, इन पांच वैकेंसी, जो पांच ट्रेड है इनके लिए ये वैकेंसी निकल कर आई है। आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप अपनी कैटेगरी के बेस पर यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं, अपनी वैकेंसी चेक कर सकते हैं कितनी वैकेंसी खाली है। और दोस्तों इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 1-1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कल्याण डीजल साइड है, यहाँ पर भी इसी तरीके से 4, 5, 6 दोस्तों पांच जो ट्रेड हैं उनको मौका दिया गया है। इसी तरीके से कुरला, मुंबई क्लस्टर में दोस्तों काफ़ी सारी यूनिट हैं, तो सभी यूनिट के हिसाब से अलग अलग जगह पर अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए वैकेंसी हैं। तो आप अपना जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ से भी आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, आप अपना चेक करके यहाँ पर भर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। तो कम से कम आपकी जो एज होनी चाहिए वह 15 साल होनी चाहिए, 15 साल एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 24 साल, तो दोस्तों 24 साल जो कि 15/12/2022 तक होनी चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते तो आपको एज रिलेक्शन भी मिलेगा। SC ST वालों को 5 साल का एज रिलेक्शन और OBC वालों को 3 साल का एज रिलेक्शन, तो आप एज रिलेक्शन भी ले सकते हैं। और दोस्तों जो फिजिकली डिसेबिलिटी जो पर्सन है, जो मतलब जो हैंडीकैप हैं, उनको 10 साल का एज रिलेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों एक्स सर्विसमैन को भी मौका मिला है, लेकिन एक्स सर्विसमैन बहुत कम अप्लाई करते हैं। अब दोस्तों मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास 10th होनी चाहिए, और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों सर्टिफिकेट आपको ध्यान रहे SC ST या SC VT या NC VT, आपके पास कोई भी हो अब वो चलेगा। SC VT सर्टिफिकेट हो वो भी चलेगा, और NC VT हो वो भी चलेगा। और दोस्तों जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी नॉन रिफंडेबल है, जो कि 100 रुपये फ़ीस सभी कैटेगरी के लिए है, तो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है जो सभी कैटेगरी के लिए है। अब इसे अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों RRC जो CR की वेबसाइट है, वहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। RRC की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना है, वहाँ पे आपकी जो भी पर्सनल डिटेल रहेंगी उनको आपको फिल कर लेना है। आधार कार्ड का जरूरत रहेगा, आधार कार्ड का आपको 12 डिजिट का नंबर उसमें एंटर करना है, तो आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड भी इसमें लगे आपका होना चाहिए। तो आधार कार्ड आपका जो एनरोलमेंट नंबर अगर नहीं है तो आप एनरोलमेंट स्लिप का जो स्लिप एनरोलमेंट नंबर होता है वो भी आप आधार कार्ड की जगह पर लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें आपकी ध्यान रहे, नोट में दिया गया है आपके जो फादर नेम, नेम और डेट ऑफ बर्थ, दोस्तों ये जो 10th की मार्कशीट है उसमें सेम होना चाहिए, उनसे मैच होना चाहिए। अगर आपका मैचिंग गलत मिलता है तो आपका फॉर्म हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो आपकी स्कैन कॉपी लगनी है वह फोटोग्राफ जो आपकी स्कैन कॉपी लगेगी और सिग्नेचर, तो ये भी आपको अपलोड करने हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जो भी आप अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, उन सभी का स्कैन कॉपी लगाना है। स्कैन कॉपी आपको अपना 10th का मार्कशीट,
टेंथ का मार्कशीट, और आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए भी टेंथ का मार्कशीट कर सकते हैं अपलोड। और दोस्तों एनसीबीटी एससीबीटी जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एनटीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है एनटीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं कैसे निकालते हैं आईटीआई का, तो मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, दोस्तों ध्यान रखना है अपने सर्टिफिकेट आपका स्टेट का नहीं चलेगा, ओनली सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे के फॉर्मेट पर ही बना होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कैसे बनवाना है तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आप अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप बता दी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका भी बता दूंगा आपको कैसे बनवाना है। और दोस्तों एक्स सर्विस मैन है तो आपको एक्स सर्विस मैन का भी चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा आपकी अगर आप कोई भी अलग डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो वो भी आपके प्रॉपर फॉर्मेट पर बने हुए होने चाहिए। आप इसकी लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें दोस्तों, लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में सर्वर बहुत डाउन हो जाता है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो दोस्तों जब आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो आपको जो स्टीफंड मिलेगा, जो ट्रेनिंग के समय स्टीफंड मिलेगा, तो वह 7,000 रुपये पर मंथ रहेगा। 7,000 रुपये पर मंथ आपका स्टीफंड रहेगा। तो दोस्तों रेलवे की तरफ से आपको कोई भी हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको रहने का अपना खुद का अरेंजमेंट करना होगा, कोई भी आपको सुविधा नहीं मिलेगी, कोई भी क्वार्टर वगैरह रेलवे की तरफ से नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 7,000 रुपये स्टीफंड मिलेगा जो कि हर महीने। और वह सेकेंड अगर आपके 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड है तो दूसरे ईयर में आपका 10% इंक्रीमेंट होगा, तो 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये आपका स्टीफंड रहेगा। इसके अलावा कुछ भी मिलेगा दोस्तों, कोई भी अलाउंस नहीं मिलेगा, ओनली 7,000 रुपये आपका फिक्स रहेगा, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, आपका बॉन्ड पेपर साइन होगा, उसके हिसाब से आपको 7,000 रुपये पर मंथ मिलते रहेंगे। और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की। जब आप अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करी जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मैं अलग से एक वीडियो बाद में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है यह ज़रूर लेके जाना है, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर से ही बना होना चाहिए, और कैसे बनवाना है वो मैं आपको बता ही दूंगा। अगर आपकी कोई इंक्वायरी रहती है हेल्प डेस्क नंबर जो ईमेल आईडी है आप यहाँ से इनसे बात कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ, दोस्तों इसमें सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक एनेक्सर दिया हुआ है, एनेक्सर दिया हुआ है SC ST कैंडिडेट। तो दोस्तों ये जो एनेक्सर है ये सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर आपका इस सर्टिफिकेट पर नहीं बना है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यह मान्य नहीं रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा, और आपको इसके अंदर जो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसके अंदर लिया ही नहीं जाएगा, अप्रेंटिस में आपको लिया ही नहीं जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इससे अच्छा आप मैं नीचे वीडियो डाल दूंगा बना के, आप देख सकते हैं, या फिर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा। OBC का भी इसी तरह है, OBC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैं सारी डिटेल बता ही दूंगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई हैंडीकैप है डिसेबिलिटी है तो आप बनवा सकते हैं, ध्यान रहे इसी फॉर्मेट पर होना चाहिए, फॉर्मेट सेम होना चाहिए, फॉर्मेट अलग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी कैसे बनवाना है वो मैं बता दूंगा, यहाँ पे ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, तो मैं नीचे वीडियो बना दूंगा, इसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर कर दें। और दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों इसके अलावा मैं DRDO की क्लास करने जा रहा हूँ, जिसमें ट्रेड जो DRDO का टेक्नीशियन जो वैकेंसी निकल कर आई थी उसके अभी ट्रेड टेस्ट के लिए दोस्तों अभी टाइम है, लेकिन मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा है कि अगर आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे तो बाद में हम सिर्फ एक बार के रिवीजन में भी एक अच्छा खासा स्कोर ले सकते हैं। तो स्कोर ऑब्टेन करने के लिए आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं, तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।